हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पुस्तकें और लेखक 2019 की जो मेन बुक्स हैं उनके ऑथर्स की यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है हर एग्जाम के अंदर, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंक का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पटवारी का हो, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, गाइस हर एग्जाम के अंदर कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से बुक्स एंड ऑथर से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और गाइस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी कोई भी चीजें यहाँ पे मिस ना हो। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिया है। तो पहला क्वेश्चन लिया है, एक बुक का नाम दिया हुआ है और बुक का नाम है गेम चेंजर। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है ये पूछा है। इसके लिए ऑप्शन है युवराज सिंह, विराट कोहली, शाहिद अफरीदी या फिर MS धोनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहिद अफरीदी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, शाहिद अफरीदी की बात करें तो आप सभी को पता है कि ये एक काफी, मतलब ये जो काफी जाने माने पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, और इन्होंने ये इनकी आत्मकथा है इस बुक में, जो अपनी आत्मकथा लिखी है। तो ये इन्होंने क्या है, अप्रैल 2016 में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है इससे संन्यास ले लिया था। तो इस बुक के अंदर अपनी खुद की आत्मकथा इनके द्वारा लिखी गई है। तो आंसर हो जाएगा शाहिद अफरीदी। नेक्स्ट यहाँ पे बींग गांधी, ये पुस्तक है इसके लेखक कौन है, इसके ऑथर कौन है। ऑप्शन से चेतन भगत, मार्क टूली, पारो आनंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बींग गांधी इस पुस्तक के लेखक है, इस बुक के ऑथर कौन है, पारो आनंद। आंसर होगा ऑप्शन सी, पारो आनंद। अब इस बुक की बात करें तो महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए ये जो पुस्तक है बींग गांधी, इसको प्रकाशित की गई। अब और देखो, एक और चीज आपको याद रखना है कि ये जो पुस्तक है बींग गांधी, इस पुस्तक को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो हार्पर्स कोलिंग चिल्ड्रन बुक्स इंडिया है इसके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। अब इसमें क्या चीजें, किन चीजों का उल्लेख किया गया है, तो इस बुक के अंदर महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नो स्पिन, इस बुक के लेखक कौन है ये पूछा है। ऑप्शन है विराट कोहली, सेन वान, MS धोनी या फिर रिंकी पोटिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेन वान, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो नो स्पिन इस पुस्तक की बात करें तो ये जो सेन वान है इनकी आत्मकथा है, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टेस्ट और वनडे में 1000 से ज़्यादा विकेट लेने वाले जो सेन वान है इनकी आत्मकथा है ये बुक। अब यहाँ पे सेन वान की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 3000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, और ये जो बुक है इसमें इनका क्रिकेट कैरियर और जो निजी जिंदगी है उन पर आधारित ये आत्मकथा है इनकी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि राज्यपाल श्री कल्याण सिंह है इनके भाषण, तो यहाँ पे बुक का नाम दिया है राज्यपाल श्री कल्याण सिंह के भाषण, इस बुक के ऑथर कौन है, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, डॉक्टर लोकेश चंद्र शर्मा या फिर अशोक गहलोत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल श्री कल्याण सिंह के भाषण इस बुक को लिखा गया है डॉक्टर लोकेश चंद्र शर्मा के द्वारा। अब यहाँ पे बात करें ये जो कल्याण सिंह है ये राजस्थान के, देखो राजस्थान के राज्यपाल ये रह चुके हैं फिलहाल। वर्तमान में बात करें, देखो आज मतलब कि 23 दिसंबर 2019 को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो गाइस आज की डेट में यानी वर्तमान में हम बात करें तो कलराज मिश्रा है वो राजस्थान के राज्यपाल है, और इनसे पहले थे कल्याण सिंह। तो यहाँ पे जो कल्याण सिंह है इनके द्वारा 5 वर्षों में, इनका जो कार्यकाल था 5 वर्षों का, इसमें विभिन्न समारोहों में दिए गए जो भाषण है उन्हीं पे आधारित ये पुस्तक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि विराट द मेकिंग ऑफ अ चैंपियन, इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है युवराज सिंह, विधांशु कुमार, नीरज झा या फिर बी और सी दोनों। तो यहाँ पे अगर बात करें विराट द मेकिंग ऑफ अ चैंपियन, इस बुक के लेखक हैं नीरज झा और विधांशु कुमार ये दोनों। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पे जो विराट कोहली है इनका जो अब तक का सफर रहा है तो उसके बारे में ये पुस्तक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है रिसर्जेंट इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है ये यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन है अरुंधति रॉय, चेतन भगत, आर के नारायण या फिर विमल झालान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ आपको जाना है, विमल झालान है ये रिसर्जेंट इंडिया इस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग, इस पुस्तक के ऑथर कौन है, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी,
एम वेंकय्या नायडू या फिर रामनाथ कोविंद। तो यहाँ पे लिसनिंग लर्निंग और लीडिंग पुस्तक की बात करें तो इसके जो ऑथर हैं, इसके लेखक हैं, वो है हमारे भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकय्या नायडू। यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और जो ये एम वेंकय्या नायडू है, श्री एम वेंकय्या नायडू के द्वारा उपराष्ट्रपति के रूप में 2 साल का जो इनका कार्यकाल है उस पर लिखी गई ये पुस्तक है। और 2 साल में कि इनके द्वारा जो जो मेन मेन भाषण दिए गए उन सभी का इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक बुक का नाम दे रखा है फ्लाइट्स, तो इसके लेखक कौन है ये बताना है। ऑप्शन है अरुंधति रॉय, जोखाल आरती, एना बर्नर्स या फिर ओल्का टोकारजुक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओल्का टोकारजुक यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपर स्टार, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है आर के नारायण, सत्यार्थ नायक, बोनी कपूर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपर स्टार इसके जो लेखक है वो है सत्यार्थ नायक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और इसमें मतलब कि जो श्रीदेवी की आत्मकथा है तो उनके बारे में सारी चीजें यहाँ पे इस बुक में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, इसके लिए बताना है इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है एम वेंकय्या या फिर रजिंद्र बी अलेंकर या फिर शशि कपूर या फिर चेतन भगत। तो यहाँ पे अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज की बात करें तो इस बुक के ऑथर जो है वो है रजिंद्र बी अलेंकर, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए थिंकिंग गुड गवर्नेंस, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, विनोद राय, चेतन भगत या फिर पारो आनंद। थिंकिंग गुड गवर्नेंस की बात करें तो इसके जो ऑथर है वो है विनोद राय, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है मिल्कमैन, इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है अरुंधति राय, जोखाल आरती, एना बर्नर्स या फिर ओल्का टोकारजुक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मिल्कमैन पुस्तक है इसके जो लेखक है वो है एना बर्नर्स, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है चेंजिंग इंडिया, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन देखे रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर रामनाथ कोविंद। तो यहाँ पे बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह है ये चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक है। और यहाँ पे देखो नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बुक लिखी गई काफी फेमस बुक, उसका एग्जाम में काफी पूछा गया एग्जाम वॉरियर। तो एग्जाम वॉरियर है उसमें मतलब एग्जाम से जो एक फोबिया होता है, डर होता है, उन चीजों का उल्लेख उसमें किया गया है। वो बुक एग्जाम में काफी पूछी जाती है तो ये भी याद रखना है नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर। नेक्स्ट कैलेस्टियल बॉडी, इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन दे रखे अरुंधति राय, जोखाल आरती, एना बर्नर्स या फिर ओल्का टोकारजुक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ हम जा रहे हैं, जोखाल आरती हैं ये कैलेस्टियल बॉडी से जो ये पुस्तक है इसके लेखक है। नेक्स्ट यहाँ पे विस्पर्स ऑफ टाइम, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है शशि थरूर, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, चेतन भगत या फिर नरेंद्र मोदी। तो विस्पर्स ऑफ टाइम की बात करें तो इसके लेखक है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है खूनी बैसाखी, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया ये बताना है। ध्यान दीजिए क्या पूछा है, ये जो पुस्तक है इसका अंग्रेजी में किसके द्वारा अनुवाद किया गया है। ऑप्शन है नानक सिंह, अर्जुन देव या फिर नवदीप सूरी या फिर आर के नारायण। तो आंसर हो जाएगा नवदीप सूरी है, इनके द्वारा इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है इस पुस्तक को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं संदीप शास्त्री, चेतन भगत, अरुंधति रॉय या फिर शशि कपूर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संदीप शास्त्री हैं ये इस बुक के लेखक है। नेक्स्ट यहाँ पे महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है शशि थरूर, रीमा हुजा, चेतन भगत या फिर नरेंद्र मोदी। तो इस बुक के जो लेखक है वो है रीमा हुजा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिन ढूंढा तीन पाइया, इसके लेखक कौन है। इसके लिए ऑप्शन है चेतन भगत, अरुंधति रॉय, ओपी सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बुक है जिन ढूंढा तीन पाइया, इसके लेखक है ओपी सिंह, ऑप्शन सी है ये, इसके साथ हम जा रहे हैं ओपी सिंह। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्रिक जोन नामक ये पहली महिला पत्रिका का विमोचन है ये किसके द्वारा किया गया ये बताना है। ऑप्शन है मिताली राज, स्मृति मंदाना, झूलन गोस्वामी या फिर हरमनप्रीत कौर। तो इसका विमोचन किया गया स्मृति मंदाना के द्वारा, आंसर होगा ऑप्शन बी स्मृति मंदाना। नेक्स्ट है विवेक दीपनी, ये जो विवेक दीपनी नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई, इसके लेखक कौन है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं 4 ऑप्शंस। तो यहाँ पे विवेक दीपनी पुस्तक की बात करें तो इसके जो ऑथर है लेखक है वो है आदि शंकराचार्य।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, वी आर डिस्प्लेस्ड इसके लेखक कौन है इस पुस्तक के? ऑप्शन है मलाला यूसुफजई, आर के नारायण, नरेंद्र मोदी या फिर विक्रम सेठ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई है, वो वी आर डिस्प्लेस्ड इस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है क्वेश्चन? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इसके लेखक है संजय बारू। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये देखो ये काफी पूछी गई है, ये इस बुक का काफी पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। आई डू व्हाट आई डू इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर रामनाथ कोविंद। तो यहाँ पे आई डू व्हाट आई डू इस पुस्तक के लेखक है रघुराम राजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रघुराम राजन। रघुराम राजन की बात करें तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, ऑथर कौन है ये बताना है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर की बात करें तो इस पुस्तक के जो ऑथर है वो है बराक ओबामा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। नेक्स्ट यहाँ पूछा है एग्जाम वॉरियर इसके लेखक कौन है, जैसा कि मैंने बताया था इस पुस्तक के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जो एग्जाम से रिलेटेड मतलब कि जो डर लगता है एक फोबिया होता है उसके बारे में उन चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है इस बुक में, और इसको लिखा गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जैसे कि मदर इंडिया, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है कैथरीन मिया, आपको याद रखना है। इसी तरह से वेल्थ ऑफ नेशन की बात करें तो इस बुक के लेखक है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ आपको याद रखना है, जिसको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है जंगल बुक इसके लेखक कौन है, तो आप देख सकते हो रूपयार्ड किपलिंग याद रखना है। और फिर नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रगल इज माई लाइफ इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है नेल्सन मंडेला। फिर यहाँ पे देखिए मीन कैफ यानी मेरा संघर्ष इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट है यहाँ पे हैरी पॉटर, तो हैरी पॉटर की जो सीरीज है इनको किसके द्वारा लिखा गया है गाइस, जेके रावलिंग के द्वारा। विंग्स ऑफ फायर्स ये भी काफी पूछी गई है, ये भी काफी पूछा गया है, तो ये जो बुक्स हैं जिनको काफी पूछा गया है, तो विंग्स ऑफ फायर्स की बात करें तो इसके लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम, आपको याद रखना है अब्दुल कलाम। ट्रेन टू पाकिस्तान इसके लेखक है कुशवंत सिंह। नेक्स्ट है यहाँ पे सूटेबल बॉय ये भी काफी पूछा गया है, तो इसके लेखक है विक्रम सेठ। यंग इंडिया की बात करें तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। और इंडिका ये भी काफी पूछा गया है, तो इस बुक की बात करें तो इसके ऑथर है मेगस्थनीस। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य आपको याद रखना है। और पंचतंत्र का पूछा जाए तो विष्णु शर्मा। स्पीड पोस्ट की बात करें तो इसके लेखक है सोवा डे। नेक्स्ट है द गुड ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की बात करें तो इसके लेखक का अरुंधति रॉय आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ये जो बुक है ना, ये तीनों बुक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। द देखो एक सेकंड पीछे, हाँ ये जो देखो एक तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये भी अरुंधति रॉय के द्वारा, और माई सेडिसन सेडिसन्स हर्ट, तो ये जो जो माई सेडिसन्स हर्ट है इसको भी अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एट मोस्ट हैप्पीनेस, तो इसके द्वारा ये भी लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। तो गाइस आज का अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ घंटी की चिन्ह को ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।